मैनपुरी जनपद के गांव करहल विकास खंड ममसीरपुर गांव की जल भरा हुए जर्जर सड़क ना बनाए जाने को लेकर गांव वालों का पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारियों के प्रति भारी रोष है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैनपुरी से उमाकांत का रुख करते हैं। उमाकांत, गांव ममसीरपुर की सड़क की मरम्मत कार्य क्यों नहीं कराया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, बताना चाहेंगे कि गांव ममसीरपुर में जो सड़क थी माननीय पूर्व विधायक सोरेन सिंह के निर्देशन में 12 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन पिछले 2 साल पहले यहां पर पीडब्ल्यूडी ने गिट्टी डाल दी थी और गिट्टी गांव वालों का एक्शन न होने के कारण उन्होंने उसी को अध पर छोड़ दिया, जिससे आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गाँव वालों। पूर्व में विधायक निधि से सड़क बनाई गई थी, लेकिन जर्जर सड़क होने पर मरम्मत कार्य क्यों नहीं कराया गया, वो मकान, इस पर क्या कहेंगे? इसका कारण ये था कि पहले विधायक सोरेन सिंह ने ये सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सड़क का दोबारा में इस पर ध्यान नहीं दिया और इस सड़क को बनने नहीं दिया। वो केवल गिट्टी डाल के अपनी फॉर्मेलिटी करते रहे, अधिकारियों की लापरवाही से ये सड़क नहीं बन पाई। उमाकांत, अगर आपके पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात हुई हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले पर? पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से हमने जानना चाहा तो वो ये बता रहे थे कि ये विधायक निधि से बनी है तो ये सड़क मैं चाहती हूँ, फिर विधायक निधि पैसा देंगे, उनकी निधि जब आएगी तब मैं बनवाऊंगा, तब तक अगर साथ में पैसा आएगा तो बन पाई अनशन नहीं। शुक्रिया उमाकांत तमाम जानकारी साझा करने की। आगरा के ग्वालियर रोड थाना NH2 की बात करते हैं, जहां थाना हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर चंबल से भरे खड़े डंपर में अचानक आग लग गई। डंपर में धमाके के साथ साथ आग लगने से अचानक कुछ देर के लिए आसपास में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता राशिद खान का रुख करते हैं। राशिद, कैसे लगी डंपर में आग, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, जैसा कि जो वाहन चालक था उसके द्वारा बताया गया है हमें कि वो गाड़ी को साइड में लगाकर, ट्रक को साइड में लगाकर वो शौच के लिए उतरा, गाड़ी के अंदर अचानक से आग लग गई, जिसके आग लगने की वजह अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई है और ना प्रशासन के द्वारा ना गाड़ी ड्राइवर के द्वारा, बस ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके अंदर आग जो लगी है वो किसी सर्किट के द्वारा ही लगी है। जी राशिद, जिस तरह से डंपर में आग लगी है इससे और भी वाहन आग की चपेट में आ सकते थे, इस पर क्या कहेंगे? सर, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस वक्त आग लग रही थी उसके बाजू से काफी सारे वाहन गुजर रहे थे, ये आम जनता की भी एक तरीके से बहुत बड़ी चूक है। अगर एक आम जो जनता है जो रोड से गुजर रही है, रोड से जो लोग गुजर रहे हैं उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि अगर इतने बड़े पैमाने पर एक इतने बड़े डंपर में आग लग रही है तो उसके बाजू से हमें नहीं गुजरना चाहिए। राशिद, जिस तरह से ये आग लगी है यहाँ पर दमकल की गाड़ी भी समय से नहीं पहुंच पाई है, इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था, इसका जिम्मेदार कौन होता? सर, हादसा काफी बड़ा हो सकता था, एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो डस्ट भरा हुआ था, रेत जो भरा हुआ था, उसकी जगह अगर कोई और चीज, कोई और सामान उसके अंदर होता तो शायद उसमें एक बहुत बड़ा हादसे का वो डंपर रूप ले लेता। शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुशीनगर जिले के रामकोला नगर पंचायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रेलवे लाइन के किनारे नवजात शिशु का शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं CSC प्रभारी ने नवजात शिशु को अवैध पैदाइश की बात कही। अनुराग, स्वास्थ्य केंद्र के बगल में रेलवे ट्रैक पर नवजात शिशु का मिलना किस तरफ इशारा करता है, इस पर क्या कहेंगे? जी सर बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में रामकोला नगर पंचायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रेलवे ट्रैक पर नवजात शिशु का शव मिलने के बाद क्षेत्र में जो है हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जो है इस घटना से जो है पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। अनुराग, इस मामले में आपके अगर अधिकारियों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? बिल्कुल सर, मैं बता दूं, इस मामले पे जो है फिलहाल अभी अधिकारी, उच्च अधिकारी से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन CSC प्रभारी जो है उन्होंने बताया कि बच्ची की अवैध पैदाइशी की बात को स्वीकार करते हुए जो है अन्य आरोपों से इनकार कर दिया है उन्होंने। अनुराग, सरकार बड़े बड़े दावे करती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं ऐसी तस्वीर आना सिस्टम पर तमाचा नहीं है? जी बिल्कुल सर, लगातार यहाँ पे जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाकर जो है तमाम तरह की योजनाएं और बेटियों को जो है सुरक्षित करने की बात कही जाती है, लेकिन वहीं अवैध गर्भपात का जो है बड़ा कारोबार चल रहा है कुशीनगर जनपद में, मैं आपको बता दूं, रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। शुक्रिया अनुराग आपका हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डिप्टी डायरेक्टर जनरल बैंक ऑफ इंडिया मनीषा सिन्हा और ADGP दिल्ली से आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का समय निरीक्षण किया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे पूर्वी स्टेट हेड समीउल्लाह खान का रुख करते हैं।
समीउल्ला खान, मनीषा सिन्हा एडीजीपी बहराइच पहुंचे, क्या मुख्य उद्देश्य रहा इनका आने का, इस पर क्या कहेंगे? जी, मनीषा सिन्हा बहराइच पहुंची, उनका मुख्य उद्देश्य था कि मनीषा सिन्हा ने बहराइच डाक मंडल के अधीक्षक दिनेश शाह को बधाई देते हुए देश में सर्वाधिक खाते खोलने के लिए उनके कार्यों की सराहना की। समीउल्ला खान, ग्रामीणों से अधिक से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन कराने की अपील भी की है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि ग्रामीणों से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन कराने की उन्होंने अपील की। और इस बैठक में क्या कुछ कहते नजर आई है? डिप्टी डायरेक्टर पोस्टल मनीषा सिन्हा ने ग्रामीणों से 170 गांव को पेमेंट बैंक के खाते खोलकर बहराइच का नाम रोशन किया है। शुक्रिया समीउल्ला खान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शाहजहांपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रैक्टर ट्राली और टेम्पो की भिड़त से टेम्पो सवार की एक की मौत हो गई, वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, घटना कहां हुई और कैसे हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, एक टेम्पो आ रहा था कुछ सवारियों को लेके, जिसमें 14-15 सवारी बैठी थी और चक बिटारा से आ रहा था, और जैसे ही वो अटसलिया फाटक के पास आया तो सामने से एक ट्रैक्टर ट्राली से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत और 14 घायल हो गए। लक्ष्मीकांत, घायल मृतक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था ये? जी, घायल और मृतक महिला जो है वो पास के ही गांव चक बिटारा की रहने वाले थे, सभी एक ही परिवार से थे और वो रोजा में एक भट्टे पे कथा सुनने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही ये घटना हो गई। लक्ष्मीकांत, आखिरकार पुलिस डग्गा मारी पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है और टेम्पो चालक के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हुई है इस मामले में? जी सर, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से डग्गा मारी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं एक टेम्पो में जिसमें करीब 8 लोगों के बैठने की क्षमता है उसमें करीब 16 लोग सवार थे, और यही घटना का मुख्य कारण बनी। टेम्पो भरा हुआ था, पुलिस एसपी साहब डॉक्टर एस चिनप्पा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम कार्रवाई करेंगे और टेम्पो के खिलाफ अगर इस तरह का मामला है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मीकांत, आपका हमसे तमाम जानकारी साझा करने। मामला जिला बदायूं तहसील विकास खंड सहवान की कलहोई का है। यहां पर कई स्कूल बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन तोमर का रुख करते हैं। पवन, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे? सर, ये जो है जिला बदायूं के विकास खंड सहवान के कॉलेज क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर सर बिना मान्यता प्राप्त के फर्जी कॉलेज चल रहे हैं। जी पवन, जब आपके सीनियर अधिकारियों से बात हुई तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले पर? सर, हमारी कल ही सर बात हुई है बीएसए से, हमने ये कहा, ये बताइए इतना समय हो गया, ये रिपोर्ट दी हुए और आपने जो है अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पवन, जब एक सीनियर अधिकारी की बात नहीं मानी जा रही है तो शिक्षा का क्या स्थिति होगा बदायूं में? सारे स्कूल प्राइवेट जितने कॉलेज है सारे बंद हुए हैं, अधिकारियों के मनमानी तरीके से उस पर रुपए वसूल रहे हैं और खुले में चलवा रहे हैं, मनमानी तरीके से रुपए ले रहे हैं। शिक्षा का ये सर पढ़ाई कुछ है भी नहीं प्राइवेट, उसमें मनमानी तरीके से कुछ ऐसे कॉलेज जो है 4-4-5 रुपए महीने ले रहे हैं बच्चों से, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है अधिकारी। शुक्रिया पवन तोमर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करते हैं सागर की मालाथुन ग्राम बांदरी में मंगलवार की रात को कुछ अज्ञात सामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सद्दाम रियान का हम रुख करते हैं। सद्दाम, बताइए किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं कि घटना सागर के बांदरी थाना अंतर्गत की रात असामाजिक तत्व द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है जो अभी तक अज्ञात है, और पुलिस का कहना है उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सद्दाम, वहां की स्थिति कैसी है और पुलिस बल क्या वहां मौजूद है अब? अभी वहां की मौजूदा स्थिति काफी ठीक है, पुलिस को तत्काल सूचना मिलने के बाद पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत संभाला। सद्दाम, इस घटना को देखते हुए वहां के जो प्रतिनिधि द्वारा क्या कुछ कहना है सुरक्षा को लेकर, वहां कुछ प्रबंध किए गए? क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री मौके पर पहुंचे और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा यह घटना बहुत ही शर्मनाक है,
तथा हम ऐसी किसी भी घटना की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह कार्य किया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 48 घंटों के अंदर प्रतिमा में स्थित उस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे एवं उस इलाके में इलाके को नया रूप देकर बाबा साहब की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शुक्रिया सद्दाम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया पानी आज संभल के गांव तक पहुंच गया और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता शारिफ अहमद का रुख करते हैं। शारिफ, 3 लाख क्यूसेक पानी के बाद संभल जिले के गांव रघुपुर पुख्ता के नालों में भी बाढ़ का पानी घुस गया, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये रघुपुर पुख्ता है, यहाँ पे कोई भी बंदोबस्त नहीं हो पा रही है और पब्लिक घरों में घुसी बैठी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं हो रहा है। शारिफ, शाम तक गांव के गली गलियारों में भी बाढ़ का पानी पहुंचने का अंदेशा है, इस पर क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे जो है कानून को आए हैं, लेकिन इस पे अभी कोई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग घरों में बैठे हैं, ना ही तो मोमबत्ती ना ही माचिस की कोई व्यवस्था हो पाई है और लोग परेशान है सर, खाने तक के लिए वो है। शुक्रिया शारिफ आपका हमसे तमाम जानकारी साझा करने।